नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, स्टूडेंट और टीचर के बीच के रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना आज सामने आई है। 57 वर्षीय शिक्षक जिसका नाम संजय विठल पांडे है, शक्करधारा पुलिस स्टेशन थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गर्ल्स स्कूल है जहाँ पे ये एक टीचर है। ये मैथ्स के टीचर है, लेकिन पिछले कुछ समय से एक 6th क्लास में पढ़ रही ऐसी लड़की जो 12 वर्ष की है और जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही, उसको पिछले कुछ महीनों से उसका यौन शोषण कर रहा था। संजय पांडे के ऊपर धारा 376 समेत अन्य धाराएं दर्ज की गई है और मामले की जांच शुरू है और फिलहाल इन्हें हिरासत में ले लिया गया है। 57 वर्षाचा आरोपी आहे याच्यामध्ये आणि मुलीच्या सहायतेचा फायदा घेऊन त्याने हे कृत्य केलेले आहे। याबाबतीत ताबडतोबीने गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। माधवी कलम 376 AB आणि पॉक्सो कलम 4-6 यांच्यानुसार गुन्हा रजिस्टर करून आरोपी अटक करण्यात आलेला आहे आणि याच्यामध्ये गुन्ह्याचा तपास चालू आहे। गेले 5 ते 6 महिन्यापासून या मुलीला मुलीसोबत हा प्रकार करत होता। या बाबतीत मुलीने तिच्या आईला पोट दुखते असं सांगितलं, परंतु आईने विशेष एवढं लक्ष त्यावेळेस दिलं नव्हतं, पोट काय कारणानं दुखते हे जास्त खोलात गेली नाही। परंतु 5 तारखेला परीक्षा शेवटचा पेपर संपल्यानंतर मुलीचं जास्त पोट दुखायला लागल्यानंतर आईने तिला विश्वासात घेतलं, त्यावेळी मुलीने हा प्रकार तिच्या बाबतीत घडल्याचे सांगितले। त्यानुसार त्यांनी खात्री करून तिच्या आईने पोलीस स्टेशनला येऊन या बाबतीत कंप्लेंट दिलेली। इससे पहले भी लड़की अपनी माँ से शिकायत करती थी उसके पेट में दर्द वगैरह, लेकिन माँ कभी इस चीज़ को समझ नहीं पाई। लेकिन जब अभी मामले की गंभीरता जब सामने दिखाई दी तो माँ ने ठीक तरीके से जब अपनी बेटी से पूछताछ की तो सारा मामला उजागर हुआ। तो इस तरीके से जो घटना हुई है कहीं ना कहीं स्टूडेंट और टीचर के बीच के रिश्ते को शर्मसार कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भारद्वाज के साथ मैं वीर सिंह।